महिला कर्मचारियों की मैटरनिटी लीव कितने दिन की होगी, इस पर अक्सर वाद विवाद देखने को मिलता है। लेकिन मामले को लेकर बीते दिन नीति आयोग का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें आयोग की ओर से मैटरनिटी लीव की सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने करने पर विचार करने को कहा गया। ये बयान नीति आयोग के सदस्य पीके पॉल की ओर से सामने आया, जिसमें उनका कहना था कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को महिला कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने करने पर विचार करना चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले 2017 में मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल 2016 को संसद में पारित किया गया, जिसके तहत 12 हफ्ते के मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया गया। बता दें, मामले की जानकारी देते हुए फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी FLO ने पॉल के हवाले से एक बयान में कहा, पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टरों को महिलाओं के मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 9 महीने करने पर विचार करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को बेहतर परवरिश के साथ साथ बुजुर्गों की देखभाल के लिए आवश्यक कदम संबंधी डिजाइन बनाने में नीति आयोग की मदद करनी चाहिए। देखभाल के लिए भविष्य में लाखों कर्मचारियों की जरूरत होगी, इसलिए व्यवस्थित ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। वहीं महिलाओं की मैटरनिटी लीव पर पॉल के अलावा FLO के अध्यक्ष सुधा शिव कुमार का भी बयान सामने आया, जिसमें उनका कहना था, ग्लोबल केयर इकोनॉमी जिनमें बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल और घरेलू कामों जैसे देखभाल शामिल है, भुगतान और अवैतनिक श्रम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये आर्थिक विकास, लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण के मामले में अहम है। फिलहाल देश में अभी 6 महीने की मैटरनिटी का प्रावधान है। हालांकि इस प्रावधान में महिला को 6 महीने बाद घर से काम करने की भी छूट दी गई। ऐसे में अब सरकार मैटरनिटी लीव की सीमा को 9 महीने करने पर विचार करती है या नहीं, ये देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।